जी वो हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी थी पीजी के रिगार्डिंग, रूम अवेलेबल है क्या? सर लोग पीजी के एडवर्टाइजमेंट के लिए जाना है। अच्छा आइए आप लोग बैठिए और तुम अंदर जाओ, दो ग्लास पानी ले आना। जी बोलिए। वो हम लोगों ने ऐड देखा था पीजी के रिगार्डिंग का, तो सोचा देख कर। हाँ देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। और आप लोग को क्या जानना, क्या था? तो यहाँ पर ये रेंट वगैरह क्या है? रेंट विल बी अराउंड 20,000 पर मंथ। तो कब शिफ्ट कर सकते हैं? जब आप लोग चाहे, अगर आज ही चाहे तो आप आज ही कर सकते हैं। कल तक कर लेते हैं। ठीक है थैंक यू। कोई भी दिक्कत होगी तो आप राहुल से बोल दीजिएगा। ठीक है। राहुल। हाँ मालिक। दरवाजा खोलना जरा। आया। मालिक जी कहिए। सर आपकी पीजी का एडवर्टाइजमेंट देखा था तो बस देखने आए हैं। मैम वो एक्चुअली जो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके लिए तो फिर वो जगह भर चुकी है। तो सर प्लीज कैसे भी करके हम एडजस्ट करवा दीजिए, फिर दर दर भटक रहे हैं, कहीं पीजी नहीं मिल रहा है। मैम रियली सॉरी बट वो जगह भर चुकी है तो आप कहीं और देख लीजिए ना। पर सर अगर थोड़ी सी जगह होगी तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है आप इतना बोल रहे हैं तो आप, मैं मना नहीं कर सकता। राहुल इनको वाला रूम दिखा दो। थैंक यू दिखाओ, फिर देखो तुम दोनों को कैसे मैं दांत तोड़ती हूँ। अच्छा तू हाथ तो लगा, तुझे मैं बताती हूँ फिर। देखो तुम दोनों अपने कमरे में से हमारे रूम में नहीं आओगे, हम तुम्हारे रूम में नहीं आएंगे, बात खत्म। हमें कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। हम भी तुम्हारे रूम में नहीं आते हैं। प्लीज तुम ही आते हो हमारे कमरे में, हमें ही आते हो हमारा बाथरूम यूज करने के लिए। बाथरूम हमारे कमरे में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मुझे कोई बहस चाहिए नहीं, बात खत्म करो और आगे से तुम हमारे रूम में मत। मैडम आप लोग बिन बात की क्यों लड़ाई कर रहे हो? भगवान के लिए आप लोग अपने रूम में चले जाइए प्लीज। मैम भगवान मालिक ने किधर फंसा दिया। मैडम चाय। मैडम ये किसने किया? हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोल। सर आप यहाँ जल्दी आ जाइए, मेरे घर पे दो कत्ल हुए हैं। कहाँ पर? ये कांदीवली में इंपीरियल स्क्वायर 201। ठीक है मैं भी आया। जी सर। अटे आप इधर। मिस्टर सुरेश। जी सर। आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा, आपके पीछे में जितने भी लोग हैं सब थाने चलेंगे, थोड़ी पूछताछ करनी होगी। जी ठीक है।
अच्छा ये बताओ, जब कत्ल हुआ था तो आप कहाँ थे? सर मैं तो आउट ऑफ टाउन था। सही है। अच्छा तुम काफी दिनों से इनकी सेवा कर रहे हो, तो इनकी कोई किसी से दुश्मनी या कुछ? सर दुश्मनी तो नहीं थी, पर उनकी लड़ाई हुई थी रश्मि और सीमा से। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि कत्ल ही कर दिया? आप दोनों जाते हैं। जी सर। रश्मि और सीमा अंदर आओ। क्यों मारा तुम दोनों ने उन लोगों को? सर हमने नहीं मारा है उन्हें, हम क्यों मारेंगे? देखो मुझे राहुल ने सब बता दिया। सर ये सही है कि हम चारों के लिए कल लड़ाई हुई थी, बट हमने उन्हें नहीं मारा है, सच में आप हमारा विश्वास कीजिए। ये तो टाइम बताएगा कि तुमने मारा है या मरवाया। चलो अंदर। सर हमने नहीं मारा। चलो चलो। हेलो। हाँ डॉक्टर सूर्य बोलिए। रे क्या बात कर रहे हो? ठीक है। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। और क्यों सर? मुझे आपकी और आपकी दोनों की मेडिकल जांच करानी है। ठीक है सर। चलो। एक काम करिए, आप लोग अभी बैठिए, मेडिकल रिपोर्ट आते ही मैं बताता हूँ। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैंने बताया कि फोन की थी मेडिकल रिपोर्ट, साथ साथ ये कह रही है कि राहुल ने यूज़ कर रहे थे। अच्छा। हाँ चलो। ओके राहुल इधर आओ। मिस्टर सुरेश आप जा सकते हैं। जी सर। क्यों मारा तुमने? सर मेरा ये फोन मैंने नहीं मारा। अरे अब तो सच बोल दे, मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि तूने इन्हें नगर एक कराया। सर मैं अंधा हो गया था। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे तुम? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करना। मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को? ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। छोड़ो तुम, ना बोलना मत करो।
क्या हो रहा है? क्या किया तुमने उसके साथ? छोड़ो मुझको, छोड़ो। एक गुनाह को छुपाने के लिए तूने एक और गुनाह कर दिया। तुझे कानून छोड़ेगा नहीं। चल।